हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल में। तो आज एक हम ऐसे फोल्ड के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें तो दिक्कत लगेगा हमें कि हार्डवेयर का इशू है बट वो सॉफ्टवेयर का इशू है, और वो आप सॉफ्टवेयर का इशू भी आप उससे 100 बार फ्लैश कर ले लेकिन वो सही नहीं होने वाला, वो एक क्रिटिकल फाइल के कारण हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं ये कौन सा मॉडल है और इसमें दिक्कत क्या है। तो ये है ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो A83। और इसमें काम ये हुआ था कि पहले ये फ़ोन EMMC का प्रॉब्लम था, तो ये फ़ोन कहीं पे रिपेयर हो गया था, तो उसने तो EMMC का हेल्थ रिपेयर कर दिया और फ़ोन को भी ऑन कर दिया। बट फ़ोन में दो दिक्कतें आ रही हैं, पहला दिक्कत कि टच काम नहीं कर रहा, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें चार्जिंग का एरर का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो दो फॉल्ट, टच नॉट वर्किंग और चार्जिंग एरर। और ये हमारा ओप्पो का A83 फ़ोन है। अगर इसकी CPH की बात करूँ तो ये CPH 1827, मैं आपको दिखा देता हूँ, CPH 1827। तो इसमें दिक्कत है टच नॉट वर्किंग एंड चार्जिंग एरर। और ये चार्जिंग एरर क्यों आ रहा है और ये टच वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है, ये हम देखेंगे हार्डवेयर का दिक्कत है या सॉफ्टवेयर का। तो मैंने सारा फोल्ड चेक करने के बाद में डायग्नोस फाइनली आया कि ये दिक्कत सॉफ्टवेयर का है। और ये सॉफ्टवेयर में कौन से फाइल के कारण होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और फोल्ड भी आपको मैं चेक कराता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, मैं कोशिश करूँगा अगर वो हो सके तो मैं आपके लिए वीडियो को अपलोड करूँ। तो जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर में, और आपको हम अपना प्रॉब्लम दिखाते हैं फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है और इसे हम सोल्व आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में ये दिक्कत है। आप एरर पहले देख लो, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कस्टमर सपोर्ट। और ये फ़ोन ऑन कंडीशन में इस तरह का, और टच भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, और ऑफ कंडीशन में जब हम इसकी बात करें, ठीक है, ये तो बैटरी लो के कारण हमारा फ़ोन ऑफ हो गया, बट ये चार्ज करने के बाद भी टच इसमें नहीं चल रही है। और ऑफ कंडीशन में चार्ज लगाने पर आपको इस तरह का एरर आएगा, आप देख सकते हो बैटरी एरर, इस तरीके का एरर आता है। और आप देख सकते हो कि हमारे मदरबोर्ड पे हमने एक ISP जो कि CLK का लाइन होता है, बट इसमें इसको टेस्ट पॉइंट के नाम से हम बोलते हैं। तो ओप्पो A83 में जो MediaTek का पोर्ट बनाने के लिए ना हमें EDL पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये कोई रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर से हमारा पोर्ट बनाता है MediaTek का। मैंने उस पर सिंपली एक जम्पर लगा रखा है फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, और हम इसमें हमें दो फाइल का ज़रूरत पड़ेगा, नीड पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें MMC का काम पहले से हो चुका है, किसी ने हेल्थ रिपेयर इसका किया है, बट कुछ फाइल उसने मिसिंग कर दिया है, जो कि ओप्पो में वो बहुत क्रिटिकल फाइल होती है, उसके वजह से बहुत सारे एरर्स फ़ोन में आ जाते हैं। तो उन्होंने इस फाइल को मेरे हिसाब से उन्होंने राइट नहीं किया, बस उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अभी फ़ोन को मैं बोर्ड में फिक्स कर लेता हूँ, और उसे कैसे सोल्व आउट करेंगे, क्या फ़ाइल की नीड पड़ेगी, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अभी आ गए हम लैपटॉप के स्क्रीन पे, तो हमें दो फाइल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली, एक इस फ़ोन की प्रीलोडर की फ़ाइल और एक जो हमारा क्रिटिकल फाइल होता है उसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो वर्जन का फ्लैश फाइल है हमारे पास, हमने दोनों फाइल से फ्लैश कर चुका हूँ, बट कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, वही दिक्कत, सोल आउट हमारा नहीं हुआ, और कस्टमर का कहना है कि पहले ये फ़ोन टच वर्किंग कर रहा था। तो ये दो फाइल है हमारा, ओप्पो का देख सकते हो, ये कस्टम फाइल ओप्पो कस्टम, और ये फ़ोन का प्रीलोडर फाइल। तो प्रीलोडर फाइल फ़ोन को कनेक्ट करवाने के लिए होता है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो हमारा जो यूज करने वाला हूँ टूल, वो UMT यूज करने वाला हूँ, और UMT में आपको यूज करना है वर्जन 5.1, जो हमारा लेटेस्ट V2 आया है उसमें से नहीं, ये पहले वाला वर्जन 1 में वर्जन 5.1, जिसका लिंक सेटअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास है पहले से तो कोई बात नहीं, तो आपको ये वर्जन को यूज करना है। ठीक है, और आपको चले जाना है पार्टीशनिंग में, ठीक है, पार्टीशन मैनेजर में, वहाँ जाने के बाद जो PL है ना, वहाँ से जाकर आपको मैनुअली जो प्रीलोडर का फाइल इस फोल्डर के अंदर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
तो यहाँ पे आपको वो वाली प्रीलोडर फाइल दे देना फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो कनेक्ट ही नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे जाके आपको कनेक्ट पे क्लिक करके फ़ोन को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद में जो हमारा एडीएल पॉइंट था इसे सिंपली मैं फ़ोन से कनेक्ट करूँगा शॉर्ट करके। और ध्यान रहे बैटरी का पत्ता हमेशा रिमूव करके ही काम करें, जब आप मैं पोर्ट बनाना हो किसी चीज़ को शॉर्ट करके तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी का पत्ता निकाल रखा हूँ, आप जैसा देख रहे हो कि फ़ोन हमारे यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और हमारे फ़ोन का सारा पार्टीशन भी शो हो चुका है। तो आपको इसमें फाइंड करना है ओप्पो कस्टम, तो आपको धीरे धीरे नीचे आना है और ओप्पो कस्टम की फाइल को हमें फाइंड करना है इसमें। चलिए फिर से देखता हूँ एक बार, अब वो धीरे धीरे नीचे लेके आना नहीं तो वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ओप्पो कस्टम, जस्ट उसके सामने जाके जो डबल टिक है ना उस पर जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है, वही सेम फोल्डर में चले जाना है जो ओप्पो कस्टम की फाइल थी उसे सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद में सिंपली इसे राइट कर देना। बस एक फाइल को हमें यहाँ पे राइट करना है। तो ये हमारा राइटिंग डन हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम फोन को डिसकनेक्ट कर देंगे। ये फोन डिसकनेक्ट हो गया, जो हमारा बस काम था यूएमटी का वो था ओप्पो कस्टम फाइल को राइट करना। हमने सिंपली ओप्पो कस्टम फाइल राइट कर दिया है, अब फोन को हम ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो तो इसमें बैटरी लो का एरर आ गया, बैटरी चार्ज एरर, सॉरी बैटरी लो का। तो हम यहाँ पे चार्ज लगाते हैं, और ये ओप्पो एक तरह से मैं नॉर्मल सी फाइल है, हेल्थ रिपेयर करने के बाद में जो काम कर रहे हैं अगर वो एक फाइल को भी मिसिंग कर देते तो इस तरह का दिक्कत देखना पड़ सकता है हमारे फ़ोन में। तो फ़ोन को देखिए स्विच ऑफ में फ़ोन हमारा प्रॉपरली चार्ज भी लेने लग गया, जो कि पहले चार्ज एरर का प्रॉब्लम आ रहा था। चार्जिंग भी सही हो गई और फ़ोन को ऑन होने देते और टच चेक कर लेते हैं हमारा टच वर्किंग में आया या नहीं आया। तो पहला फॉल्ट था हमारा चार्ज एरर का, वो तो सही हो गया। अब दूसरा एरर देख लेते हैं कि हमारा टच वर्किंग आया या नहीं आया, क्योंकि कस्टमर का कहना था पहले से टच ओके था इसका, और हमने भी दूसरा फोल्डर भी डाल के चेक करा सेम कंडीशन, टच की लाइन भी चेक करी, सारी टच की लाइन भी ओके थी। और जो चार्जिंग एरर में था मैंने बैटरी भी चेंज करके देखी, बैटरी की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लाइन होती उसने वो भी सारी चेक करके देखा था पहले, तो वो सारा कुछ ओके था, लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा था। तब मेरे को डॉट गया कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। तो ये फ़ोन देखिए सक्सेसफुली ऑन हो चुका था, जो चार्ज में लगाने के बाद एरर आ रहा था वो एरर भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे टच भी हमारा चल गया जो कि पहले नहीं काम कर रहा था, अब यहाँ पे टच भी हमारा वर्किंग में आ गया है। और जो एरर पहले आ रहा था वो एरर भी हमारा चार्जिंग का ख़त्म हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जिन भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।